थैंक यू सो सो मच. थैंक्स अ लॉट कि आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे बर्थडे में शरीक हो रहे हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी माय फैमिली. मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है, हर एक के लिए उनकी फैमिली मैटर करती है. तो इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी लव्ड एंड केयर्ड बाय योर फैमिली फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स. सो योर बेस्ट फ्रेंड्स कम इन द लिस्ट. सो सभी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके अराउंड 12 o'clock विश किया. फेल्ट वेरी नाइस एंड लव्ड एंड केयर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्री में से जितने भी हमारे परिचित हैं उन्होंने सबने मुझे कॉल किया, विश किया. सो सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और चल रहे हैं. बहुत खुशी होती है दैट यू आर वांटेड एंड यू आर लव्ड. आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई गॉट अ वेरी क्यूट गिफ्ट ऑफ अ स्मॉल पेंडेंट व्हिच वाज गिवन बाय माय फैमिली एंड इट्स लाइक with her first earning she has given, so that is very special to me. Thank you. मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए याद नहीं है. मैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से रही हूँ तो बर्थडेज का इम्पोर्टेंस कभी उतना नहीं रहा है. चॉकलेट्स लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया, ये होता था. बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव जो एक स्पेशल नोट पे बनता है वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है. सो इट फील्स वेरी स्पेशल टू गेट लव बाय एवरीवन. जी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिले, आप लोग कोशिश भी मत करिएगा. या देर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. ऑल्सो आई हैव टेकन अप विद सिंगिंग राइट नाउ, सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट. डूइंग माय शोज ऑल ओवर इंडिया, दैट विल बी ऑन कार्ड. प्लस देर आर सम मूवीज विच आर इन द पाइपलाइन विच विल बी ऑन हिंदी प्रोजेक्ट नोट. सो बहुत जल्दी कोई एक मूवी की खबर भी आ जाएगी आप सभी को. विच विल बी अ हिंदी फिल्म एंड इट हैज़ गॉट रिलेशनशिप ऑफ अ गर्ल हु इज़ अ प्रोस्टिट्यूट एंड व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू, इसके बारे में वो फिल्म है. और इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे जाने माने कलाकारों में से नाम जुड़े हुए हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शा वाला से और बहुत बड़ी बड़ी हिट थी. वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी इंसान हैं और हमारा तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा. हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और बड़ी बड़ी हिट दी हैं. तो मेरे लिए वो कलाकार से ज़्यादा मेरी दोस्त है
मैं चाहूँगा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे। बहुत कमाल की हमारी और बाकी की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू। हम लोगों ने बहुत सारा सिनेमा साथ में किया, हमारी हम को एक्टर से ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं और लगभग 15-20 साल से हम दोस्त हैं। तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, यही कहूँगा। थैंक यू। बस ना आ जाओ, कम ना, यू ऑल कम यहाँ पे भी आ जाओ। या मैं पाकी, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मेरी फ्रेंड है और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लाइक मी, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है। बट वो भोजपुरी की सुपरस्टार बनी एंड शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में करी भोजपुरी में और आज उनका जन्मदिन है और हम उनको बर्थडे विश करने के लिए आए। मैंने तो भोजपुरी सिनेमा बनाया है, लाइक हमारे बॉलीवुड में यशराज बैनर है तो भोजपुरी में तो मेरा बैनर है। तो कट्टा तनल दुपट्टा रवि किशन और पवन सिंह को लेकर बनाया है, फिर होगी प्यार की जीत खेसारी लाल के साथ और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मेरे प्रोडक्शन में तो, और मैंने काम भी किया है, अभी फ़िलहाल रवि के साथ भी गाना किया है। तो मैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, चॉलीवुड, सारे वुड में हम, कौन सा वुड है जो राकेश? हाँ, सारे वुड में मैं काम करती हूँ, हॉलीवुड बाकी है। प्रियंका गई है ना तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वो रॉक कर रही है प्रियंका, अब मैं वहाँ पे जाकर रॉक करूँगी, मेरी असली जगह वही है एक्चुअली। डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं पाकी को लेके फिल्म, बिकॉज शी इज़ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे लगता है कि ओ माई गॉड वाओ, भारत रिलीज हो गई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एक्चुअली टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ ईद के कारण, इतनी भीड़, मैंने कैसे कैसे ब्लैक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती, बट मैंने टिकट ली कैसे कैसे फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज सारे शोज़ बुक हो चुके थे। अमेजिंग फिल्म, मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ में बनी है, मुझे लगता 1000 करोड़ तो ज़रूर कमाएगी। पब्लिक तो CHU है, पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। शाहरुख खान इतने अच्छा जीरो फिल्म बनाई, इतना अच्छा बेचारे, पूरी फिल्म घुटने पे बनाई। नहीं एक्चुअली क्या तो है ना, नहीं एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, इतना मेहनत करते हैं शाहरुख, सलमान, सलमान ने तो देखो कितना बुढ़ापे का गेटअप किया एंड फिर इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग इतना अच्छा काम करते, पूरा साल निकल जाता है फिल्म में और पब्लिक को पसंद नहीं आती, एक सेकंड में बोलते नहीं पसंद आई। अरे वो देखो तो इसे हमारी मेहनत है, देखो सलमान की, शाहरुख की, सबकी मेहनत है। मेरे ख्याल से भारत फिल्म जो है बजरंगी भाई जान जैसी, उससे भी और बेटर है और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो सलमान के खिलाफ जाते हैं, बढ़िया फिल्म सुपर हिट जाने वाले, सल्लू भैया अपन तुम्हारे साथ है। अच्छा,
देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले ये लोग, तो अच्छा है। सिर्फ करण जौहर की शो में जाके वो हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था, वैसे बकवास ना करें लड़कियों के बारे में। बस आप सिर्फ देश के लिए खेले, अपने लिए खेले, अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या कहाँ है, वेयर आर यू? मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट है, इज द बेस्ट। या इज गुड मैन। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं कुछ नहीं, देखिए हम तो सब फ्रेंड्स हैं और अभी अंदर आपको आने तो देंगे नहीं, तो धमाल तो हम अंदर करेंगे। ओह शिट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। गया सीनियर सिटीजन को, अपने देश के सीनियर सिटीजनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन जो अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चे बड़े होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, तो इसलिए अमेरिका में, लंदन में, अब्रॉड में ऐसा नहीं होता। जब प्रॉपर्टी एक बार हाथ से चली जाती है तो सीनियर सिटीजनों को कोई पूछता नहीं है। तो जब तक आपका एंड ना हो तब तक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें। और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में पूंजी जो है वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बड़े हैं, पैसे नहीं है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, बिकॉज आज आप अपने सीनियर सिटीजन मतलब अपने माँ बाप को या उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, एक दिन आप तो सीनियर सिटीजन बनोगे ना, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सो आई लव माई पेरेंट्स और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे देश की बहू हो वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करे। आइए 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 सर, मेरा भी होर्डिंग्स लगा दीजिए सर, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बाकी जी को इस स्पेशल मौके यानी कि उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। आने वाला दिन उनके ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन हो, वो जो विश चाहती है ऊपर वाले से उनकी सारी मुरादें पूरी हो। और क्या कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद उसको मिले। पाखी जी से मुलाकात हुई थी और वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए थे मुझे और जो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ज़िंदगी में। हर फिल्म में कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे टिप्स दिया है तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ और एक अच्छी वेल विशर एंड सिस्टर, मोस्ट ऑफ सिस्टर की तरह उनको मैं ट्रीट करती हूँ। थैंक यू सो मच। पाखी जी को मैं शुभकामनाएं आज के दिन यही बनती हैं कि उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई हो। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे पाखी जी। और पाखी जी का मेरा रिलेशन बहुत पुराना है क्योंकि हमने सात सहेलियां फिल्म में साथ काम किया था, तो उसमें सात हीरोइंस थी लेकिन सातों के साथ मेरी तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन पाखी जी से वहाँ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी उस फिल्म में, तो बहुत अच्छी है, नेचर से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है वो, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर के पास जा रहे हैं कुछ, और बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाती हैं। तो उनका मुझे लगता है या तो इंडस्ट्री में ना जितनी भी हीरोइंस हैं उनका सबसे बहुत अच्छा टाइप है, तो ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही रहें और जो आपके मन में जितनी भी है वो सब आप मतलब आप बहुत आगे बढ़ें, जितनी भी आपकी विशेज हैं वो सब गॉड फुलफिल करें। थैंक यू।
हाँ भाई बाइट बाइट हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा सलाम बा। और आज हम लोग बहुत ही हमारी इंडस्ट्री की जो लीजेंडरी एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत बहुत ही कमाल की टैलेंटेड द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन और मेरी बहुत ही करीबी बहुत ही चहेती पाकी हेगड़े जी का जन्मदिन है आज। तो उनके इस शुभ दिन पर उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग नामी लोग जैसा कि मैं आया हूँ ऐसा मेरे साथ साथ और भी लोग आए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने हैं ये पार्टीज ये फंक्शन ये जो भी चीज़ें होती है ये सब बहाने होते हैं। हम सभी परिवार जो हमारा सिनेमा परिवार है इंडस्ट्री परिवार ये सब एक साथ होता है और सबको मिलने का क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का सबसे मिलने का। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती बहुत खुशी होती है। और तहे दिल से हमारी पाकी जी को हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत सबसे अजीज़ और सबसे प्रीशियस पाकी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें मैंने पोस्ट भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बख्शे वो ऐसे ही हमेशा अपने खूबसूरती का जलवा हमेशा बिखेर दिया। मैं तो चूँकि सबसे जवान लड़का मैं ही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का द मोस्ट यंग बॉय ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा पार्टी सबसे ज़्यादा धमाल मैं ही करता हूँ और मैं खुद तो करता ही हूँ साथ में जो हमारे जो कुछ लोग थक भी गए तो उनको उठा उठा के नचाता हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है ये जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा कि भोजपुरी में जो लोग थोड़े ठंडे हो जाए उनको उठा के फिर से गर्म करता हूँ। तो जितने भी लोग हैं सबको आज बहुत नचाने वाला हूँ बहुत धमाल करने वाला हूँ जैसा कि पाकी जी खुद भी बहुत चुलबुली हैं नटखट्ची हैं तो हम दोनों का हमेशा से ट्यूनिंग रहा है तो वो ट्यूनिंग आज फिर से पार्टीज में दिखने वाला है सबको नचाने वाले बहुत धमाल करने वाले और पता नहीं क्या क्या करने वाले। अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसके प्रोड्यूसर श्री प्रदीप सिंह जी हैं और डायरेक्टर श्री मंजू ठाकुर जी हैं उनकी एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही कमाल की फिल्म जिस फिल्म का नाम है विवाह उस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी की है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरती सा कमाल सा तड़कता फड़कता स्पेशल सॉन्ग मैंने और पाकी जी ने किया है वो कमाल के फिल्म बनी है कमाल का गाना पिक्चराइज हुआ है। और ये वो वैसी फिल्म है जो हम अर्बन सिनेमा की जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोजपुरी में कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्म देखें स्टैंडर्ड फिल्म देखें जो हम कहीं पर भी अपने पूरे परिवार के साथ किसी को भी हम दिखा सकते हैं भारत के किसी भी इंसान को हम खड़ा करके वो फिल्म दिखा सकते हैं। वो वैसी फिल्म है जिसमें अश्लीलता ऐसा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है पूरी तरह से वो फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जैसा कि नाम से पता चल रहा है विवाह। विवाह राजश्री की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जब भी टीवी पर आता है तो हम लोग रिमोट से छोड़ देते हैं वहाँ पर देखने लगते हैं फिल्म तो उसी तरीके का ये फिल्म हमने बनाई है उससे भी खूबसूरत वैसी बिल्कुल नहीं है उससे पूरे तरीके से अलग कहानी है नई कहानी और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी विवाह आए तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और देखिए उस फिल्म में मेरा और पाकी जी का एक अलग रोमांस नज़र आएगा। और इतनी बातों के बाद मैं मेरे फ़ायदे की बात करूँगा 21 जून को मेरी बहुत ही खूबसूरत कमाल और बहुत ही बड़ी फिल्म नायक रिलीज़ हो रही है तो आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे दोस्त यार के साथ 21 जून के नायक फिल्म देखे खातिर जिसमें हम पावनी एक नई अदाकारा और साथ साथ बाहुबली में जो विलन रलन कालिके प्रभाकर वो विलन उसमें मेरे साथ एक खतरनाक टकराव में दिखाई देंगे तो बिल्कुल मत भूलिएगा 21 जून आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में नायक देखने जरूर जाइएगा। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू पाकी जी लव यू ऑल थैंक यू सो मच। फोटो अभी तो लिए कौन है हाय शॉट में पूछेंगे यार कैसे हैं आप लोग बाकी मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और बस उनको ये कहना चाहूँगा कि ये साल उनके लिए कामें भी भरा रहे खुशियों भरा रहे एंड वट एवर शी इज ड्रीम सो फार शुड कम टू दिस ईयर। वेरी नाइस होगी पाकी और मैं आई थिंक विपुल के बर्थडे पे लास्ट टाइम मिले थे मेरे बर्थडे पे शरान वी आर ग्रेट फन एंड अगेन आई जस्ट सॉ हिम आई वाज एक्सपेक्टिंग इन दैट विपुल मस्ट बी अराउंड तो भाई साहब कहते हैं ना थिंक अबाउट
God is here. नहीं नहीं डर चलेगा मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन बाकी से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी बहुत शुरुआती दिनों की दोस्ती है और इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट दिनों पर कम से कम आए और अपनी शुभकामनाएं दें, हैप्पी बर्थडे बोले और कुछ नहीं। हाँ जी उस प्रोग्राम में क्या करते हैं सर आप सीनियर सिटीजन? आज पाकी का जन्मदिन है और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना पाकी को। पाकी ने तकरीबन मेरे साथ 10-12 फिल्में की हैं एज अ हीरोइन एज लीड एक्ट्रेस और पाकी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिल की नेक दिल इंसान है, तो मेरी यही शुभकामना है कि ये जन्मदिन जो है वो बहुत बार मनता रहे और बहुत सारी फिल्मों में मैं तो चाहता हूँ दोबारा उनका कम बैक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। उन्होंने बीच में फिल्में करना कम कर दिया था, अभी उन्होंने विवाह में एक गाना किया है बहुत स्पेशल सॉन्ग किया है प्रोड्यूसर के बहुत कहने के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि ये उनका जो जर्नी है सिनेमा में और जो काम अच्छा करती रही है वो कंटिन्यू रहे और पाकी बस ऐसे ही आप बनी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही ग्राउंडेड है, जितना भी एक लेजेंड लेवल पे है फिर भी शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड शी इज़ वेरी हम्बल ऑलवेज, अ बेस्ट फ्रेंड। राइट नाउ नथिंग, विल बी रिक्रिएटिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स अगेन। वैसे ही करेंगे जैसे अभी मेरा दिल भी कितना पागल है किया, 26 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, तो समथिंग लाइक दैट करेंगे। हैप्पी बर्थडे पाकी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं तो 7 साल पहले मैंने एक पंजाबी की फ़िल्म देखी थी कुदेसन, तो मैं तो उस टाइम से उनको ढूंढ रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने CCL में जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने उनकी पूरी डिटेल्स जो है मेरे पास ली, तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पार्टी। पंजाब क्योंकि वो भोजपुरी की स्टार हैं, तो मैं एक जो बहुत कल्ट फिल्म थी कुदेसन जो है मुझे उनके डायरेक्टर ने दिखाई थी कि एक, तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन कुड़ी एक्टर बहुत अच्छी एक्टर है कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये भोजपुरी की लड़की है, तो पर मैं मेकआउट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी पंजाबी का एक्सेंट भी उनका आ रहा था। तो सो एक्टर तो एक्टर होते हैं कोई भी लैंग्वेज हो, फील तो फील हो। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया उनको घर पे सरप्राइज करके विद यू नो गिफ्ट्स एंड व्हाटएवर हर फेवरेट थिंग्स आर, हमने ट्राई किया कि हम उतना करें उनके लिए बिकॉज वो काफ़ी बिजी रहती है, उनको घर में टाइम में दे नहीं पाते वो, तो हमें लगा कि हम घर पे सेलिब्रेट करते हैं। आज आप लोग के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, सो वेरी हैप्पी टू डू दैट।
उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप चटपटा खाना बनाओ, मिर्च मसाला वाला खाना बनाओ, उनके जिम ट्रेनर थक जाते हैं उनको बोल के खाना अच्छे से खाओ पाकी जी, पर पाकी जी नहीं सुनते हैं, पाकी को चटपटा खाना पसंद है। तो घर पे आप लोगों ने पूछा था बेस्ट गिफ्ट क्या था, तो शी अर्नड आउट ऑफ हर मनी शी गिफ्टेड मी फॉर द फर्स्ट टाइम अ गोल्ड चेन विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है क्योंकि ये इसकी पहली कमाई से उसने मेरे लिए खरीदा है। तो शी इज़ अ ब्लॉगर एंड शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट राइट नाउ ऑन ब्लॉगिंग, सो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड very soon you'll hear that she is doing movies, so we looking forward to some good projects for her. Happy birthday. Oh! So buzzing. Kangna ji wait complete your pictures till then, I'll just join you baby. When she told me about her career, she wants to start with acting as her career. मैं उतना serious नहीं थी because मुझे लगा कि हर एक का वो dream होता है. So I said, अगर 100 fans भी आप जमा कर सकते हो तो उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप acting करने लायक हो तो वो आप earn कर लो. और इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम try करो. और I was surprised that youngsters में वो काफ़ी known है और उसको अच्छे following है. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा उसकी following है आज, because हम लोग social sites पर मैं बहुत ज़्यादा active नहीं रह पाती हूँ, and they really make it very great on screen, on social network. तो in 1 month's time she's almost crossed 115K, so that is great achievement I feel. So looking forward to good projects for her for sure. एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिला है, एंड आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग आई हैव सो फार, आई एम जस्ट ग्रेटफुल. आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क ऑन समथिंग. अभी फिलहाल शी वॉज अप्रोच्ड बाई वन ऑफ द फिल्म राइट नाउ, द टॉक्स वर ऑन, मंदाकिनी सन वॉज गेटिंग लॉन्च विद देवानंद जीज ग्रैंड सन, बट समहाउ शी डिडंट लाइक thought the line of the story, so she said no to that particular film, but we are really looking at good projects. Agar hum kuch kar rahe hain to I think 100% to be in it, you know, is very important. So for me the subject and everything matters a lot, so yeah, hopefully something comes. Thank you so much. Thanks a lot. पाखी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही हैं, हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं. पाखी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें. लव यू सो मच पाखी, हैप्पी बर्थडे. वो पहली अभिनेत्री जिनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है हमारी. हम लोगों ने, मैंने बोला ना, कई फिल्में साथ में किया है, हम उनको प्यार से माते भी बुलाते हैं, और हम लोगों के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, शायद ऐसी केमिस्ट्री मेरी अभी तक किसी हीरोइन के साथ रही नहीं है. तो पाखी जी इसमें सबसे स्पेशल हैं और मैं भी स्पेशल हूँ, आज यहाँ पर आया हूँ. बहुत रिसेंटली
मैं पाकी के लिए मैंने विलेन छोड़ के अब चरित्र अभिनेता का रोल करने लगा हुआ है, तो मेरे अपोजिट पाकी जी बहुत जल्दी दिखने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में, जल्दी बोले तो शायद एक आध दो महीने में। थैंक यू लव यू पाकी। देव जी कम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे कमाल की अदाकारा हैं और उनको उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। थैंक यू। पार्टी के साथ जब भी हम लोग पार्टी करते हैं या फिर जब भी हम लोग मिलते हैं, सो इट्स ऑलवेज फन टू बी विद हर एंड स्पेशली शी इज़ अ वेरी प्योर सोल। जब भी उसके साथ में हम होते हैं सब एवरीबडी इज जस्ट हैप्पी, लाइक हमारा सारा ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है, एवरी वन इज सो हैप्पी एंड उसका कंपनी इतना अच्छा एंड पॉजिटिव वाइब्स, शी इज़ रियली अमेजिंग पर्सन। दिस इज हाउ आई फील अबाउट हर। मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने पाकी जी के साथ काम किया, तो डेफिनेटली मेरी बहुत लंबी जर्नी है उनके साथ, इट्स बीइंग लाइक सो मेनी इयर्स विद हर। और मेरी उनके बर्थडे पे यही विश है कि वो उतने जैसे वो इतने सालों से उतनी सुंदर हैं, बस इतने सुंदर आगे दिखती रहे, एंड शी इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं मतलब लव नहीं है उनको बयान करने के, वो बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है उनका, हाँ बहुत अच्छा सोल है उनका, तो बस जैसे ही वो हैं वैसे ही रहने का उनको मैं विश करती हूँ और भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दे, उनके परिवार में सब खुशी हो, उनके पीस हो, बस और क्या। मैं तो उनको यही विश करना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और वो बहुत अच्छी सोल है, मतलब बहुत प्यारी हैं वो, इतनी केयरिंग भी है, मैंने उनके साथ BIPL किया था, हाँ किड की तरह रहती है, और उनको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि मेरी फर्स्ट फिल्म जो मैंने की थी भोजपुरी, तो वो उसमें थे, और आई वॉज़ वेरी मच लाइक पहली फिल्म जो थी, तो आप कैसे कॉन्शियस होते हो सेट पे, तो वो आए उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नई थी, मुझे इस लैंग्वेज का पता नहीं था, तो उन्होंने पूरा समझाया अच्छे से, और वो बहुत फ्रेंडली, हाँ सपोर्टिव है, फ्रेंडली है, और वो आपको बहुत चिल रखती हैं हर टाइम, चाहे वो पार्टी मूड में हो, चाहे वो वर्किंग मूड में हो, हाँ शी इज़ अ सीनियर, हाँ वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा है, मतलब अलग बॉन्ड है, मैं उनको, वो मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और शायद यही चीज़ है कि इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को एंड स्टिल वी आर टुगेदर, और उनका मैसेज आया कि मेरा बर्थडे है, तो आई वॉज मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि डेफिनेटली आपका बर्थडे, आई डोंट वांट टू मिस इट। Thank you. Light up. कुछ है, कुछ शमा जलाएगा? देखिए अधूरा ज्ञान बहुत अच्छी बात नहीं होती है, पूरा सीखने के बाद में फिर अगले अगले टाइम में हम लोग इसको खाएंगे, अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ।
अभी हमारे लिए जसवीर जी गाएंगे। आप सब लोग आ गए। हाँ सर, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक डांस रियलिटी शो कर रहा था, डांस संग्राम, और उसमें मैंने पहली बार पाकी जी को देखा था। उसमें गेस्ट जज आई थी वो, और मुझे विश्वास नहीं होगा कोई हीरोइन इतनी भी खूबसूरत हो सकती है पाकी जी को देख के। ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात आई थी, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनको देख के कि मुझे लगा कि इनके साथ अगर दोस्ती हो सके, कुछ हो सके। और फिर आगे जाके संभावना के थ्रू मैं पाकी जी से मिला, फिर पता चला वो जितनी खूबसूरत अदाकारा हैं, जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं, उतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी है। सो बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड आउट। और मेरी मेमोरीज पाकी के साथ एकाध नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम लोगों ने इतने शोज साथ में किए हैं, इतने रियलिटी शोज साथ में हम लोगों ने किए हैं, इतनी फिल्म साथ में करी हैं। ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मैं ये कह सकती हूँ कि पाकी कुछ इंडस्ट्री में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं हमेशा, मेरी एक बहुत ख़ास तौर से बॉन्डिंग रही है, दैट इज़ पाकी हेगड़े फॉर मी। जैसे एक रिंकू घोष हैं जो अब फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, वैसे ही पाकी चाहे वो फिल्मों में काम करें, नहीं करें, बाद में करें, अभी करें, तभी करें, वो हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। ऐसा है पाकी के साथ। एंड बाकी शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये नहीं है कि आपकी सूरत अच्छी है, उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है। वो चाहे आपसे 2 दिन बाद मिले या फिर 2 साल के बाद मिले, वो वैसे ही मिलती है, उसी एनर्जी से मिलती है। और आई थिंक पाकी की ये मुझे समझ नहीं आता कि एज उसकी कहाँ रुक गई है, वो बढ़ती ही नहीं आगे। वो जितनी खूबसूरत आज से, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी, वो उतनी खूबसूरत आज भी है।
सो आई थिंक दैट्स अ वेरी समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उन्हें भी मिल गया थोड़ा सा. तो पाखी की खूबसूरती को वाकई मैं कह सकती हूँ कि उसको टक्कर देना भी बहुत मुश्किल है. जो उसने अपने को मेंटेन कर रखा है दैट्स अ वेरी बिग थिंग. देखिए हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म में दिखाए. हम लोग ऐसे दिख जाए काफी है, फिल्म में दिखने की जरूरत नहीं है. हमारी बॉन्डिंग ऐसे दिख जाती है लोगों को. ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू.